खाओ पे के रिलायंस ग्रोथ। वीडियो में अगर हम आगे चलेंगे तो फिर आपको भी क्लियर हो जाएगा कि रिलायंस ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस है। तो बात करते हैं 1850 में धीरूभाई अंबानी ने 1950 में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सेटअप किया था और वहीं से रिलायंस की गाथा शुरू हुई। अगर हम बात करें ज़्यादा पैसे कमाने के लिए तो धीरूभाई अंबानी यमन चले गए और वहाँ पे उन्होंने एक पेट्रोल पंप पे काम किया, फ्यूल स्टेशन पे उन्होंने काम किया और स्टार्टिंग पंपिंग पेट्रोल। लेकिन फिर वो वापस मुंबई आ गए और उन्होंने यमन के कॉन्ट्रैक्ट को इस्तेमाल किया और ऑयल एंड गैस का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। और वही पैरेलल में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो अपनी रफ्तार पकड़ने लगी और वहीं से शुरुआत हुई 1870 के अंदर ओनली विमल ब्रांड की। अगर हम बात करें ओनली विमल की तो ओनली विमल ने इतनी तेजी से पॉपुलरिटी की और हर जनरेशन के लोग उसके कपड़े पहनने लगे, एक ब्रांड वैल्यू के क्लॉथिंग की शुरुआत हुई फैशन की दुनिया में। ये रीजन था, उन्होंने उस पर मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट कुछ ज्यादा किया और ओनली विमल जैसी कंपनी एकदम फैलती हुई चली गई। रिलायंस ग्रुप की अगर हम बात करें तो धीरूभाई अंबानी इंडिया के अंदर एक ऐसा सिस्टम लेकर आए थे कि कोई भी किसी का भी शेयर होल्डिंग कर सकता है, मतलब लोगों को मार्केट में इंटरेस्ट आने लगा था स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदने में, शेयर्स बेचने में। अगर हम बात करें रिलायंस की तो रिलायंस ग्रुप का कोई एक मालिक नहीं है, रिलायंस हैव द मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब वो मिलियंस ऑफ शेयर होल्डर्स वो सब मालिक है रिलायंस ग्रुप के। अगर हम बात करें रिलायंस ग्रुप की तो ऐसा इंडिया में पहले कभी किसी ने भी नहीं दिया देखा था और ना ही पहले कभी किसी कंपनी ने किया था। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी हाउ बिग इज टाटा की, तो फिर हम बात करें तो टाटा भी एक फैमिली से ही चला आ रहा था और फैमिली की मेहनत थी, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने एक दिमाग लगाया और सबका पैसा लगवाया, इन्वेस्ट करवाया। और 1986 में रिलायंस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि लार्जेस्ट फाइनेंशियल कंपनी बन गई इंडिया की, 1980 में रिलायंस पेट्रोकेमिकल कंपनी की स्थापना हुई और 1990 में जिसने एक की चेंजिंग रोल प्ले किया, जामनगर में एक रिफाइनरी लगाई गई जो कि इंडिया की ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी है जो कि सबसे ज़्यादा आउटपुट देती है। 2002 तक रिलायंस पावर, रिलायंस कंस्ट्रक्शन और रिलायंस डिफेंस जैसी कंपनीज जो थी वो काफ़ी पॉपुलर होने लगी और काफ़ी सक्सेसफुल होने लगी। और ये रीज़न था कि रिलायंस के टर्म थोड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस के साथ जुड़ते हुए भी चले गए। रिलायंस की कंपनी रिलायंस डिफेंस जो कि 2018 में एक राफेल स्कैम में उसका नाम आने लगा था बार बार, क्योंकि एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट बन गया था। रिलायंस ने जो राफेल थे 36 राफेल बनाने का ऑर्डर लिया था जिसका एक जो जॉइंट वेंचर था वो एक फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ था। इससे पहले अगर हम बात करें तो जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था वो हिंदुस्तान ग्रुप को दिया गया था राफेल बनाने का, और राफेल कुछ ज़्यादा भी थे और इसमें पता चला रिलायंस महंगे भी बना रही है और कम भी बना रही है। रिलायंस के पास आज की डेट में 45 कंपनीज आती हैं, में मोबाइल फोन्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्रैल गोशियारी। 2002 में धीरूभाई अंबानी की डेथ हो गई और जिसके बाद चेयरमैन मुकेश अंबानी बन गए और वाइस चेयरमैन अनिल अंबानी बन गए। धीरूभाई अंबानी को खुद नहीं पता था कि वो उनके जाने का वक्त आ गया, इसलिए उन्होंने अपनी कोई विल लिखी भी नहीं थी। और हिस्ट्री में जैसा होता है, इतिहास में जैसा होता है, राजा मर जाता है और दो राजकुमारों के बीच बगावत होती है, वही हुआ। द राइवलरी ऑफ अंबानी ब्रदर्स बिकेम अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक एंड द मोस्ट टॉकेटिव टॉपिक इन इंडिया। 2004 तक ये ब्रदर राइवलरी इतनी बढ़ती गई कि हिस्ट्री में जैसा इतिहास में शायद से बहुत कम ही हुआ होगा कि माँ को फिर बाद में सेटल डाउन करने के लिए बीच में आना पड़ा। और ये युवा किला बैन जो थी वो इन राइवलरी की इन लड़ाई के बीच में आई और उन्होंने पूरे रिलायंस ग्रुप को दो भाग में बांट दिया, एक रिलायंस ग्रुप और एक रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी के हाथ में दे दी गई जिसके अंडर में ऑयल और गैस आता था, और रिलायंस ग्रुप दे दिया गया अनिल अंबानी के अंडर में जिसके अंडर में टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर आने लगा। अकॉर्डिंग टू दिस डिवीजन तो अनिल अंबानी के पास ज़्यादा वैल्यू गई थी, या हम कह सकते ज़्यादा पैसा गया था। हर बार मुकेश अंबानी को ऑयल और गैस बेचने के लिए भी आता रहा जिससे वो मुकेश अंबानी अपना ऑयल एंड गैस का व्यापार अनिल अंबानी को बेचते, लेकिन मुकेश अंबानी ने नहीं बेचा और मुकेश अंबानी की बाद में जीत हुई और रिलायंस इंडस्ट्रीज जो थी वो मुकेश अंबानी के हाथ में ही आ गई। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और अनिल अंबानी को लॉस पे लॉस होने लगे,
टेलीकम्युनिकेशन में अनिल अंबानी की कंपनी को बहुत भयंकर लॉस हुआ। अंबानी भाइयों की जो रंजिश थी वो एक चर्चा का विषय बन गया पूरे इंडिया के अंदर। इस रंजिश का प्रभाव इंडियन की इकोनॉमी पे भी पड़ रहा था। यही रीजन था कि फाइनेंस मिनिस्टर जो थे उस वक्त प्रणब मुखर्जी, उन्होंने बातचीत की दोनों भाइयों के साथ और इसको सेटल डाउन करने का भी फैसला लिया। और एक टाइम ऐसा आ गया 3-4 साल बाद कि मुकेश अंबानी रहता गया, मुकेश अंबानी राइजेस और द डेक्लाइन ऑफ अनिल अंबानी शुरू हो गया। रिलायंस इज द बिगेस्ट प्राइवेट कंट्रीब्यूटर टू द जीडीपी ऑफ इंडिया। इट इज द लार्जेस्ट जेटा नेटवर्क एंड द लार्जेस्ट पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरर इन द मार्केट कैपिटल। रिलायंस के अंडर में 45 डिविजन्स आते हैं, जो कि रिलायंस फ्रेश, लाइफ, डिजिटल, एनर्जी, एंटरटेनमेंट, हेल्थ, वेलबींग, प्रोडक्ट्स और एजुकेशन। 5 सितंबर 2015 में जियो जो था, एक महीने के अंदर ही उसके 15 मिलियन कस्टमर्स हो गए और 83 डेज में ये 50 मिलियन कस्टमर्स हो गए और फरवरी 2017 में इसके 100 मिलियन कस्टमर्स हो गए। अगर हम बात करें, जियो का रिकॉर्ड बन गया फास्टेस्ट ग्रोइंग मोबाइल नेटवर्क एनी वेयर एनी टाइम इन दी वर्ल्ड। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी थी मुकेश अंबानी की, वो ये थी कि 3 महीने तक डाटा फ्री दो और उसके बाद जो उस वक्त सबसे सक्सेसफुल इंटरनेट सप्लायर था आइडिया, उससे 30 गुना ज़्यादा सस्ता था। यह मार्केट स्ट्रेटेजी वैल्यू थी जिसने जियो को सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेटवर्क बना दिया इंडिया के अंदर। अगर हम बात करें जियो से पहले, तो 2GB आपको मिलता था 2G डाटा, जो कि आपको एक महीने चलाना पड़ता था। लेकिन अगर आपको 3G 4G डाटा मिल रहा है और वो भी 2GB रोजाना, ये रीज़न था कि फार्मर्स और स्टूडेंट वो सबके हाथ में जियो आ गया और जियो 2018 का नंबर वन फिल्म बन गया टू चेंज दी वर्ल्ड। इंडिया का लार्जेस्ट मीडिया नेटवर्क नेटवर्क 18 जो है वो रिलायंस ग्रुप के अंडर में आता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंडर में आता है। रिलायंस मुकेश अंबानी का ऐसा मानना है कि अगर आपको अपनी इज्जत बचानी है या फिर आपको अगर आप कंपनी की एक वैल्यू रखनी है मीडिया के सामने या फिर पब्लिक के सामने, लोगों के सामने, देश में, तो आपको उसकी अच्छी चीज़ दिखानी पड़ेगी। यही रीज़न है कि मुकेश अंबानी कंट्रोल सब मीडिया एंड दी नेटवर्क, ताकि कोई भी कहीं पर भी रिलायंस की बुराई ना हो। ये एक साइकोलॉजिकल मोटिव है। रिलायंस के बारे में अगर हम बात करें, तो रिलायंस है द लार्जेस्ट मैंगो ऑर्चिड विद 127 वेराइटीज ऑफ मैंगोज। और ये पूरे के पूरे जो है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, जो कि रिफाइनरी जितना पॉल्यूशन करती है उसके पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए रिफाइनरी के चारों तरफ ये पेड़ लगाए गए थे, जिससे पॉल्यूशन भी कंट्रोल होता है। और दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मैंगोज इन द वर्ल्ड। 2000 में रिलायंस फाउंडेशन की शुरुआत की, जिन्होंने एजुकेशन और हेल्थ कैंप लगाने शुरू किए और फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर प्रोवाइड की टू एंड दी पॉवर्टी इन इंडिया। कुछ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। मुकेश अंबानी वी नो द एशिया का रिचेस्ट पर्सन है और इस वक्त वो 4th पोजिशन पर चल रहा है। अगर हम बात करें मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी का जो हाउस है एंटिला, विच इज़ द इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड का रिचेस्ट प्राइवेट रेजिडेंस इन दी वर्ल्ड। और इसके अंदर सिर्फ 5 लोग रहते हैं। 6th फ्लोर तक पार्किंग है, जिसमें 150 कार की पार्किंग कैपेसिटी है। और इस घर के अंदर एक स्पेशल स्नो रूम भी है और सिर्फ 5 लोग रहते हैं। उनको खाने खिलाने के लिए या उनकी सेवा करने के लिए 24x7 600 वर्कर्स काम करते हैं। इस घर में 10 लिफ्ट हैं या 10 एलिवेटर्स हैं और 3 हेलीपैड्स हैं। और कितने फीचर हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। ट्राइडेंट के साथ भी एक जॉइंट वेंचर है। नाइल रिवर पे लग्जीरियस क्रूज भी चलते हैं रिलायंस ग्रुप के। एंड द टोटल रेवेन्यू डेट द इंडिया अर्न्स फ्रॉम एक्सपोर्टिंग का 5% अकेला रिलायंस ही है। इनके 1200 से भी ज़्यादा पेट्रोल पंप्स हैं और इनकी खुद की क्रिकेट टीम और फुटबॉल टीम दोनों हैं।